द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो बाय मिसेज एन रैडक्लिफ आर ए है क्वेश्चन नंबर देकर. मिसेज एन रैडक्लिफ रोट 5 नॉवल्स और बेस्ट 2 नॉवल्स आर ये दोनों द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो 1794 एंड द इटालियन 1797. अब देखिए उडाल्फो मीन्स द मिक्सचर ऑफ ब्यूटी एंड फियर. तो इस कहानी में क्या है सुंदर भी है और भय भी है. द सेटिंग ऑफ द नॉवल द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो इज 1584 इन सदर्न फ्रांस एंड नॉर्दर्न इटली. यहाँ पर यही पक्की घटना है तो करीब 400 साल पुरानी है. तो कहानी है और कोई खास बात नहीं. द नॉवल शोज द क्या नॉवल दिखाता है शोज द पेन ऑफ इमली. हीरोइन है उसका दर्द को दिखाता है ये नॉवल. शी इज़ अ यंग फ्रेंच वुमन जवान है फ्रांस की लेडी है सुंदर तो हो गई. शी इज़ एन ऑर्फन और अनाथ माँ बाप नहीं है. शी इज़ इम्प्रिजेंड इन द कासल ऑफ उडाल्फो बाय मॉन्टोनी एन इटालियन. उसको कैद बना लेता है एक तो इटालियन जो है ये क्या है क्रिमिनल है ये. ही हैज मैरिड हिज आंट एंड गार्जियन. वो ऐसा पापी है अपनी चाची से शादी कर ली है जो उसका गार्जियन भी था. दिखाता है ये खौफनाक ये खराब बहुत विलनेस है ये जो खलनायक जो है. अब देखिए ये गोथिक नॉन फिक्शन है और गोथिक फिक्शन में क्या क्या होता है उसका कैरेक्टर यहाँ पर हम दे दिए हैं. इन्हें गोथिक फिक्शन और हॉरर नॉवल और भयंकर डर लगाना डरावना उपन्यास वी हैव एटमोसफियर ऑफ फियर भय बना रहता है डर लगते रहता है. ओल्ड कासल पुराना किला रहता है. इनोसेंट हीरोइन जो एकदम पवित्र होती है सुंदर नारी कोमल इनोसेंट है. एंड ओल्ड मेड मरद जो होता है बूढ़ा थोड़ा होता है उम्र गरा होता है. थीम ऑफ एंट्रैपमेंट और उसमें लड़की को फंसा दिया जाता है कैद में बंद एंट्रैप फंसा लेते हैं जैसे चूहा को फंसाते हैं. एक्सेसिव वेल्थ एक तरफ बहुत पैसा रहता है और पैसे का दुरुपयोग होता है. डेथ एंड ग्रीफ मौत है दर्द है एंड स्ट्रगल एंड इमेंसिपेशन अंत में क्या है संघर्ष है और जो इनोसेंट पवित्र है उसकी मुक्ति हो जाती है. ठीक है पन्ना उल्टू विकास बेटा थैंक यू वेरी मच. अब हम लोग आ गए पेज 3 में. मॉन्टोनी इज अ पावरफुल विलेन इन द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो. भयंकर जबरदस्त खलनायक है. ही इज सेडिस्टिक. तो सेडिस्टिक ये शब्द आपको जानना चाहिए. सेडिस्टिक उसको कहते हैं किसी आदमी को दूसरे को कष्ट देने में दर्द देने में मजा आता है तो ये सेडिस्टिक है. दिस मीन्स ही इंजॉयज टॉर्चरिंग एमिली. एमिली को सताने में उसको आनंद आता है. मॉन्टोनी हैज़ अ ग्रिम आइसोलेटेड कासल. ये भयंकर एक है सुनसान किला है. देर इज हॉरर इन द लोनली रूम्स और सुनसान कमरा सब है उसी में वो भयंकर सब काम करते रहता है. राइटर मिसेज एन रैडक्लिफ ट्राइज टू एक्सप्लेन वाई ए पर्सन बिकम्स सेडिस्टिक एंड वाई एन इनोसेंट गर्ल हैज टू सफर. तो ये कुछ समझाते भी है कि कोई आदमी सेडिस्टिक क्यों बन जाता है ऐसा पापी क्यों बन जाता है और ये भी बताता है कि कोई लड़की इनोसेंट लड़की क्यों कष्ट भोगना पड़ता है. तो ठीक है अ वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन विदरिंग हाइट्स और इसी बात को और बढ़िया से समझाया गया है विदरिंग हाइट्स में बाय एमिली ब्रॉन्टे. अब देखिए इसमें हम इस उपन्यास इसमें चले आए हैं कंपैरिजन के लिए और क्लियर समझाने के लिए. तो प्रोटेगोनिस्ट जो है विदरिंग हाइट का मेन कैरेक्टर जो है विदरिंग हाइट का है. थैंक यू विकास. मेन कैरेक्टर विदरिंग हाइट का कौन है हीथक्लिफ है. वो सेडिस्टिक क्यों बन जाता है बिकॉज इन हिज चाइल्डहुड ही इज टॉर्चर्ड बाय हिज स्टेप ब्रदर. इसको जो हीथक्लिफ को है उसको उसका सौतेला भाई सताता है और नतीजा क्या होता है ये भी उसी तरह का बन जाता है पापी बन जाता है. हीरोइन इन विदरिंग हाइट सफर्स बिकॉज शी एक्सपेक्ट्स टू मच इन लाइफ. तो हीरोइन को भी कष्ट क्यों भोगना पड़ता है क्योंकि जिंदगी में बहुत जरूरत से ज़्यादा उम्मीद करती है. शी वॉन्ट्स अ रिच हस्बैंड उसको चाहिए क्या अमीर हस्बैंड चाहिए एंड अ लवर हु इज पुअर और लवर भी चाहिए हस्बैंडो चाहिए और लवरों चाहिए दो आदमी चाहिए उसको. तो इस तरह का ख्वाब रखना अच्छा नहीं ठीक नहीं होता है. विद द मनी ऑफ अ रिच हस्बैंड शी वॉन्ट्स टू सपोर्ट हर पुअर लवर. वो चाहती है अमीर हस्बैंड से पैसा ले लेकर अपने गरीब प्रेमी को दे. ये संभव है थोड़े
नो हस्बैंड विल अलाउ दिस, कोई भी हस्बैंड ऐसे थोड़ी करेगा कि तुम पैसा लो अपने अपने लवर को दो। सो द हीरोइन सब उसकी हीरोइन को कष्ट भोगना पड़ता है। मिसेज एन रेडक्लिफ द मिस क्या मिसेज एन रेडक्लिफ द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो एंड अदर नॉवल्स वे पॉपुलर इन इन द सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी। ये उपन्यास है ना, गर्म था, गर्म मसालेदार था, तो उसको पॉपुलर था सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी में, घूर घूर के किताब लोग बांटते थे। बायरन, बायरन जो है वो कवि है, बायरन द ग्रेट रोमांटिक पोइट इंजॉयड हॉरर नॉवल्स। बायरन को ये सब उपन्यास पढ़ने मन लगता था, तो बहुत लोगों को लगता है। फॉर शेली द घोस्ट ऑफ द टेरर टेल्स बिकेम सो रियल दैट ही एक्चुअली सॉ देम। और शेली को भी पढ़ने आना था, और उसमें भूत प्रेत जो देखता था लगता सच्चे मुचे वो हो गया है। तो ये सब है, लेकिन हम लोगों को ये सब नॉवल से दूर रहना चाहिए सिर्फ। जेन ऑस्टिन इन हर नॉवल नॉर्थेंजर एबी शोज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हॉरर टेल्स। तो ये जेन ऑस्टिन बहुत अच्छी नॉवलिस्ट है, ये अपने उपन्यास में दिखाती है कि इस तरह का हॉरर टेल जो होता है ना बहुत नुकसान करता है। आफ्टर रीडिंग मैनी हॉरर टेल्स अ लेडी स्टार्ट सीइंग घोस्ट वेयर देर इज नन। तो बहुत ये सब उपन्यास पढ़ने से क्या होता है, उसको इस औरत को जो उसमें कैरेक्टर है वो उसको भूत दिखाई पड़ना पढ़ने लगता है, जो कि जहाँ की बिल्कुल भूत नहीं है। तो इस तरह के उपन्यास को हॉरर टेल को उनको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सिलेबस में दे देता है क्योंकि अब समझना है हॉरर टेल क्या है। ठीक है, अब कंक्लूजन। टू कंक्लूड द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो इज नॉट ओनली अ हॉरर टेल, द नॉवल हैज़ अ मॉरल, मॉरल शिक्षा भी है। पलटू बेटा, वंस द कासल वॉज अ प्लेस ऑफ लग्जरी एंड वाइस। तो ये शिक्षा भी है, एक समय ये जो किला जो था लग्जरी आनंद मौज मस्ती का और पाप का एक किला था। गॉड हैज़ पनिश्ड द प्लेस, अब क्योंकि भगवान जो है उसको श्राप दिए हैं, सजा दिए हैं कसम, इट हैज़ बिकम अ रूइन। अब ये जो किला जो है एकदम बर्बाद हो गया, एकदम बर्बाद हो गया है, रूइन खंडर हो गया है। इवन इफ यू डू नॉट बिलीव इन गॉड इट इज़ नोटिस दैट बैड एक्शन हैज़ अ शॉर्ट लाइफ। यदि हम लोग भगवान में नहीं भी विश्वास करेंगे तो दिखाया जाता है जो खराब कर्म करता है ना उसका जिंदगी बहुत छोटा ही होता है। द कासल ऑफ सिन हैज़ अ शॉर्ट लाइफ, और जो पाप का जो किला जो है बहुत क्षणिक ही होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप देखिए, यदि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, यदि खराब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 8210297332, ये मेरा रिटायर्ड प्रोफेसर बी के मिश्रा का है, और 8434291664 यह है विकास मेरे विद्यार्थी का, मेरे हेल्पर का। टीबी पेशेंट खेतन को जो मदद करते हैं उसके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, आप भी मदद कीजिए, आपका रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देंगे। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम 8434291664। वी गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प आर टीबी पेशेंट केदन ऑन द नंबर्स गिवन अबव। दैट्स ऑल, थैंक यू।